कार मल्टी क्रिएशन में स्वागत है। मैं पूजा मेहरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आज मैं लेके आई हूँ, ये पहले वीडियो में तो मैंने यहाँ पे पॉकेट बनाना बताया हुआ है। जो इसको देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में ये जो बॉर्डर है सुंदर सा, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये फ्रंट पार्ट का एक साइड है, इसमें मैंने 74 स्टिचेस डाले हैं एक्सल साइज के। उसके बाद यहाँ 12 फंदों की बटन पट्टी रखी थी मैंने, और ये अपना ये पैटर्न बनाते हुए मैंने एक साइड को कंप्लीट किया था। सॉरी, यहाँ पे हमने गले की घटाई की है, वी गला रखा है, और ये हमारे कंधे की घटाई है। यहाँ पे कंधे की घटाई कितनी करनी है और गला परफेक्ट कहाँ से शुरू करना है हमने गले की घटाई, वो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए बिना स्किप करके एंड तक बने रहना, और मेरे जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो नेक्स्ट अपने किसी भी रिलेटिव्स को शेयर भी कर सकते हो। बहुत सुंदर डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है ये। और इसको कैसे, ये बिगनर्स के लिए, जो तो एक्सपर्ट हैं जो बनाते रहते हैं उनको तो पता है ये कैसे बनाना है, कैसे घटाई करनी है, लेकिन जैसे कई बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कंधे की घटाई कैसे करनी है और परफेक्ट गला गले की घटाई कहाँ से रखनी है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये देखिए, इतना मैंने इसको बना लिया है, इसकी पॉकेट भी बना ली है। फिर उसके बाद हमने इसकी लेंथ भी आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ हमने भी रखी है, तो जो हमारी है 20 के आसपास है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देखिए 20 तक है ये, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी लेंथ के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 20 इंच बना लिया था विद बॉर्डर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी एक साइड में हमने ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है इसके हमने यहाँ पे घटाई की थी, और ये हमारा यहाँ पे आएगा लेफ़्ट साइड का पार्ट यहाँ पे, तो इसकी घटाई बताती हूँ आपको। यहाँ से इसकी हमने यहाँ से की थी, इसकी इस साइड से करेंगे। तो इसकी घटाई हमने कितनी करनी है, जितनी लेंथ चाहिए थी उतना हमने बना लिया था। 20 इंच है ये विद बॉर्डर, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, एक्सल साइज़ का ये बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमने 4 फंदे डिक्रीज़ करने, घटाने। पहले हमने 2 का 1 कर लिया, एक फंदा घट गया, फिर से फंदे को लेफ़्ट सिलाई में डालेंगे और फिर से हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 फंदे घट गए, और फिर से इसको लेफ़्ट सिलाई में करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। 3 फंदे घट गए, फिर से लेफ़्ट सिलाई में लाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। 4, ये देखिए हमने 4 फंदों की घटाई कर दी है। और उसके बाद अपना ये सारा पैटर्न बनाते हुए हमने यहाँ पे आ जाना है, बटन पट्टी भी बना लेंगे और अपनी रॉन्ग साइड को बनाते फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने 4 फंदे घटाए थे, फिर अपना पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे आ गए थे, फिर बटन पट्टी बना ली, फिर हमने रॉन्ग साइड में भी अपना बनाते हुए सिलाई को कम्प्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आ गए फिर से हम, पहले 4 फंदे हमने डिक्रीज़ किए थे, घटाए थे, अब हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं, 3 फंदे डिक्रीज़ करने हैं। पहले 2 का 1 कर लेंगे, फिर से धागे को फंदे को सिलाई पे चढ़ा के 2 का 1, 2 हो गए, फिर से यहाँ पे 2 का 1, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 फंदे घटाए, यहाँ पे 3 फंदे घटाए। और फिर से सेम हमने वैसे ही करना, अपना पैटर्न बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है और जो हमारी उल्टी साइड है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। 4 की घटाई की, 3 की घटाई की, अभी हमने सेम ऐसे ही 2 फंदों की घटाई कर लेनी है। यहाँ पे एकदम परफेक्ट जो घटाई करनी हो आर्म होल की, तो यहाँ पे 4 3 2 1 की आती है। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए, पहले 4 डिक्रीज़ किए थे, फिर 3 किए, 2, तो फिर नेक्स्ट टाइम 3 करेंगे, और ऐसा ही बनाते हुए इसको कंप्लीट करके फिर उसके आगे आपको बताती हूँ। अब ये हमने घटाई डाल ली है 4 3 2 1 की, 4 3 2 फिर 1, 4 3 2 1 की घटाई डाल ली है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो गले की घटाई है वो डालनी, पहले हम अपनी जो आर्म होल की घटाई है उसको कंप्लीट कर लेंगे 4 3 2 1 की घटाई देके,
फिर उसके बाद आर्म होल यहाँ पे गले पट्टी सॉरी गले की घटाई डालेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कंधे की घटाई के साथ ही गले की घटाई रख देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो अगर जिसको लंबा गला चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने बताना है कि कई जैसे लंबा गला आगे की तरफ लटकता रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले घटाई डाल लेंगे उसके बाद हम गले की घटाई डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो गला हमारा यहाँ तक आया था, लंबा आया था। और इसका भी ध्यान रखना है कि जो बटन होल बना रहे हैं हम साथ साथ कंटिन्यू करते रहें, और जब हम यहाँ पे गले की घटाई डालेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक होल बनाना है, बटन होल बनाना है। कंधे की घटाई तो हमने कर ली, अब हम क्या करते हैं अपनी ये पूरी सिलाई जो पैटर्न की है यहाँ से बनाते हुए अपनी बटन पट्टी तक आएंगे। यहाँ मतलब अभी कोई घटाई नहीं करनी, सिंपल सिलाई लगानी है, सिंपल ऐसे बनाना है जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पे एक और बात बतानी है आपको कि जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट के 74 स्टिचेस रखे थे, फिर हमने यहाँ पे 4-3-2-1 की घटाई डाली थी, उसके बाद यहाँ पे हमारे 52 फंदे बच जाते हैं, और ये 12 फंदे बटन पट्टी के अलग से, 52 हमारे ये वाले फंदे और 12 फंदे ये। अब हम ये अपनी रो को बनाते हुए यहाँ तक आ गए, अब हमने क्या करना है, बटन पट्टी से पहले हमारे जैसे ये 12 फंदे हैं, इसके अलावा ये जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है एक, ये जो हमारी स्ट्रिप आ रही है पल्ली, इसके साथ का जो एक फंदा है इसको हमने घटा देना है। दो जैसे यहाँ पे हम फंदा घटा रहे हैं, तो फंदा घटाने के साथ ही फिर हमने यहाँ पे क्या करना, अपना एक बटन होल रख लेना है, बिल्कुल जहाँ पे हमने गले की घटाई शुरू करनी है वहाँ पे ही हमने एक बटन होल ज़रूर बनाना है। तो बटन होल हमने हाफ हाफ पे बनाना है, ये पहले हम अपने जो हमारा बटन पट्टी है उसका पैटर्न बना लिया, अब हमने यहाँ पे होल बनाना है। ये दो फंदों को एक करेंगे जाली डालते हुए, यहाँ पे हमने एक अपना बटन होल बना लिया, सिंपल तरीका एकदम। और इसके बाद फिर से अपनी बटन पट्टी को कंटिन्यू कर लेंगे। ये बनने के बाद हम अपनी रॉन्ग साइड को बनाएंगे, फिर से हम अपनी राइट सिलाई को बनाएंगे, और यहाँ पे आके हर सिलाई में हमने एक एक फंदा घटाते जाना है, डिक्रीज करते जाना एक एक फंदा हर सिलाई में। यहाँ से आते हुए ये बटन पट्टी के साथ एक एक फंदा घटाते जाएंगे, घटाई करके जैसे कि हम यहाँ से आए अपनी रो को, अपने जो पैटर्न है डिज़ाइन अपनी बुनाई को बनाते हुए यहाँ तक आगे, और फिर बटन पट्टी के साथ हमने जैसे हमारे 12 फंदे हुए थे हैं और एक फली हमने एक्स्ट्रा रखी होती है, उसके साथ साथ जो भी आएंगे उसको हमने घटाते जाना है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी एक साइड होती है, ये हमारी राइट साइड है, इसकी हमने जब घटाई डालते हैं तो बैक लूप से 2 काई करते जाते हैं, बैक लूप से 2 काई करेंगे तो इस साइड हमारी, ये हमारी साइड साइड पर कितनी प्यारी है जो फली है स्ट्रिप है जो, ये हमारी इस साइड बनती जाएगी बैक लूप से। और यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, फिर से बता रही हूँ। और यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे कि उस पार्ट पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पे हम ऐसे बैक लूप से 2 काई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है आगे से फ्रंट लूप से 2 काई करेंगे, यहाँ पे जो इसकी स्ट्रिप होगी वो इस साइड जाएगी और यहाँ की स्ट्रिप हमारी जा रही है इस साइड, इसलिए इसको हमने बैक लूप से 2 काई किया, इसके साथ साथ ही घटाते गए एक एक फंदा, ऐसे हो गया। और इस साइड में हमने फ्रंट लूप से आगे से 2 काई करना है और हमारी स्ट्रिप ऐसे बनती जाएगी। अब हर सिलाई में हमने बटन पट्टी के साथ एक एक फंदा डिक्रीज करते जाना है, और यहाँ पे 52 स्टिचेस थे, हमने तब तक डिक्रीज करने जब तक हमारे 28 स्टिचेस बच जाएंगे, तब तक हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे। ये देखिए इसकी शेप दिखना शुरू हो गई, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हमने बटन पट्टी से पहले
दो का एक 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 करते हुए हमने घटाई डाली थी। और ये देखिए यहाँ पे शेप, और मैंने पहले ही बताया था कि जब हम यहाँ पे गले की घटाई करेंगे तो यहाँ पे बटन होल बनाना है। और वो देखिए यहाँ पे हमारा ये बटन होल आ गया है ऊपर, और यहाँ से हमारी हल्की हल्की शेप दिखना शुरू हो गई है। ये देखिए थोड़ी यहाँ की तरफ, और ये फ्रंट लूप से दो का एक किया हुआ हमने, तो ये हमारी स्ट्रिप इस तरफ जा रही है और यहाँ की स्ट्रिप इस तरफ जा रही है। बस ऐसे ही करते हमने अपना ये कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट शेप आई है। ये देखिए खुद यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शेप आई है अच्छी सी। और यहाँ पे लास्ट में हमारे 28 स्टिचेस बॉर्डर के अलावा, ये 12 फंदे बॉर्डर के, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे 28 फंदे, 28 फंदे बचे हैं सेम यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए गले की गुलाई भी हमारी एकदम परफेक्ट आई है। और फिर से रिपीट करती हूँ, ये फ्रंट पार्ट है, इसमें मैंने 74 स्टिचेस लिए थे, 74 स्टिचेस लेके हमने बनाए थे, और 12 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे थे। फिर हमने 20 इंच की लंबाई यहाँ पे रख के, 20 इंच की लेंथ थी, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आर्म होल की घटाई की 4 3 2 1, 4 3 2 1 की घटाई जब कंप्लीट हो गई उसके बाद हमने गले की घटाई शुरू की। जब हमारी 4 3 2 1 की घटाई कंप्लीट हो गई उसके बाद हमने यहाँ पे गले की घटाई शुरू की। और जब गले की घटाई शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक बटन होल हमने ज़रूर बना लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बटन पट्टी से पहले हमने दो का एक करते हुए एक एक फंदे की घटाई करनी है, डिक्रीज़ किया, मतलब यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तब हम एक एक फंदा घटाएंगे, फिर से हम अपनी रॉन्ग साइड बना के फिर से यहाँ पे आएंगे। ऐसे करते हुए हमने कंटिन्यू घटाई करते जाना है लगातार, और यहाँ पे हमारे लास्ट में बच जाते हैं 28 फंदे, 28 फंदे बच जाते हैं और 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।